हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। फ्रेंड, हम लोग हर रोज मंत्र सीखते हैं, हम सिखाते हैं, आप लोग सीखते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप लोग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं पूरा मंत्र नहीं मिल रहा है। फ्रेंड, मैं ज्यादा जानकार नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं अभी बन ना सकूंगा, उसके पहले आप लोग बन जाते हैं। आप लोगों को भी पता है, जो मंत्र हम दे रहे हैं ये रियल मंत्र है, सबको पता है। शायद एक दूसरों को पता ना हो। अब कोई हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं, उसको बता दें ऊपर में उड़ रहा है तो उसको यकीन कहां से होगा। तो उसी प्रकार जितने मंत्र हम दे रहे हैं सब कामरू का मंत्र है, एक पैसा इधर उधर का मंत्र नहीं है और रियल मंत्र है सब। फ्रेंड, किसी अनपढ़ को यदि हम किताब पकड़ा दें कि भाई पढ़ो पढ़ो इसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ेगा वो? पढ़ा लिखा तो है नहीं, पन्ना उल्टाएगा, केवल चित्र देखेगा उसमें एक दो, यही नहीं करेगा और क्या करेगा वो? यदि चित्र हो तब, और नहीं तो लिखावट देखेगा और क्या करेगा? उसी प्रकार और वही किताब यदि पढ़े वाले आदमी को दे दें, जो पढ़ा लिखा हो उसको दीजिए, आओ इतना स्पीड से पढ़ेगा ना, वो पूछे मत। फ्रेंड, पढ़ा लिखा आदमी फटफट किताब पढ़ देगा दोस्तों, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेगा। तो वो कैसे पढ़ेंगे? चलो चल, ऐसे पढ़ेंगे वो, चलो चल, दोलो दल, कोलो कल, ऐसे पढ़ेगा। और जो पढ़ा लिखा है वो तो चल दल कल पल सब कर देगा दोस्तों। उसी प्रकार फ्रेंड, ये मंत्र जो है बड़ा खतरनाक मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र से आप जैसे एक बंदूक से निकली हुई गोली है दोस्तों, लग जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है डॉक्टर के पास न जाने से, है ना? और यदि वही बंदूक का गोली निकल के उसके ऐसे पार हो जाए तो क्या हो जाएगा? मरेगा, कुछ नहीं होगा वो। जैसे एक बंदूक की गोली में ताकत है निशाना लगने पर, और यदि निशाना नहीं लगने पर कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये मंत्र है फ्रेंड, इतने खतरनाक है, टिका के मारो उसको। बन मंत्र, मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, वशीकरण मंत्र, जो भी है फ्रेंड, बड़ा खतरनाक मंत्र है ये। तो आज हम आपको मंत्र बताएंगे डंडी मंत्र, बड़ा मंत्र, वो झंसार मंत्र नहीं बताएंगे मारण वाले में, और डंडी मंत्र का प्रयोग कीजिए। तो क्या है मंत्र? मंत्र इस प्रकार है, सुखल चिड़िया बड़ी सुकुमार, सुकले करे सोलह सिंगार, जहां को भेजू तहां को जाई, जिन्हें को भेजू तीनों को खाई, चट मारो पट खाओ। महावीर मसान के फ्रेंड, देखिए आप लोग यूज कैसे करेंगे, हम तो विधि बताएंगे तभी तो करेंगे। लेकिन फ्रेंड, मैं उसे विधि बताऊंगा जो कि प्योर चेला बनने वाला है। फ्रेंड, ऐसा नहीं डगमग किया है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ अपना चाचा को ही मार दिया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ अपने भाई को मार दिया, ऐसा नहीं। फ्रेंड, आप तो यूज करेंगे और बाद में कहेंगे मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीखेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं, गोली बंदूक तो है, गोली उसमें डालेंगे, देखिए सब कुछ है, बंदूक भी है, गोली भी है, गोली भी उसमें डालेंगे फ्रेंड, लेकिन निशाना होना चाहिए। समझ में आ रहा ना मेरी बातें? तो ये निशाना क्या है? सिद्धि है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ वही गोली, यदि मिस्टेक हुआ तो हाथ तोड़ देगा, या अचूक हो गया तो अपने तरफ लग सकता है। तो फ्रेंड, बिल्कुल खतरनाक मंत्र हम आपको देते हैं, एक पैसा शक नहीं है, और जो लगे रहेगा उसे जरूर मिलेगा ज्ञान, कुछ ना कुछ, और वो सफलता उसे जरूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट।